मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह आपने हक से कहा कि मुझे बहुत भूख लगी। अरे भाई, घर पे एक साथ रहने वाले लोगों का एक दूसरे पे इतना हक तो होता ही है। अब मैं अपने मन की बात तुमसे नहीं करूंगा तो क्या पड़ोस वाले चड्डा से करूंगा? अच्छा तो ठीक है, प्रॉमिस कीजिए कि आप अपनी हर फीलिंग और अपने दिल की सारी बातें मुझसे शेयर करेंगे। वादा? दिल की बात से याद आया, आज मेरे जिगर का टुकड़ा हमारे छोटे बाजपाई जी फिर से मेरे पीछे पड़ गए। डैडा शादी कर लो, शादी कर लो। आज तो यतु ना किसी मच्योर अडल्ट की तरह मेरे पास तुम्हारी शादी का रिश्ता लेकर आया। तुम्हारी शादी का प्रपोजल दिया है मुझे साक्षी वर्मा। मुझे पता, और ये भी पता है कि अभी आप दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं। लेकिन मानव जी, मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को खुद को एक दूसरा मौका जरूर देना चाहिए। गुजरा हुआ कल जिंदगी के बारे में सीखने का जरिया होता है और आने वाला कल उसे जीने का मौका। अतीत के धुंधले पन्नों पर जिंदगी की नई कहानियां नहीं लिखी जा सकती, इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप पन्नों को पलटें और आगे बढ़ें। कमाल है, आज निहारिका जी भी मुझे सेम बात समझा रही है। कह रही थी कि आगे बढ़ो लाइफ में, खुद को दूसरा मौका दो। उन्हें लगता है कि मुझे आकांक्षा से अभी भी प्यार है और मेरा उससे नफरत करना इस बात का सबूत है। ऐसा कहा उन्होंने? निहारिका जी और मानव जी के बीच इतनी पर्सनल बातें होती है, वो मानव जी से ऐसी बातें किस हक से कर सकती है? आखिर वो चाहती क्या है मानव जी से? दिमाग खराब हो गया तेरा? गन वापस दे मुझे। नहीं दूंगा मैं, मार दूंगा मैं। भाई तू तू गन रख, मैंने क्या बिगाड़ा तेरा? कुछ तुम आपके पति तो आज बहुत बड़ा कांड करने वाले थे। वो मेरा पति नहीं है। एनीवेज, क्या किया है उसने? सुसाइड मैडम, वैभव कपूर ने हार्ट अटैक का नाटक किया, फिर मेरी बंदूक छीन ली और उसी बंदूक से खुद को गोली मारने वाला था। मेरी तो नौकरी चली जाती। वो तो भला हो राम जी का जो बचा लिया। वैभव ने अपनी जान लेने की कोशिश की? जी हाँ। वैभव, अपनी जान लेने की कोशिश की तुमने? क्या करता, बेजार था मैं, बर्दाश्त नहीं हो रही थी मुझसे वो बेइज्जती, तकलीफें। नहीं रहना है मुझे इस दुनिया में। सब कुछ तो था मेरे पास, एक फरिश्ते जैसी पत्नी थी जो इतना इतना प्यार करती थी मुझसे। सब बर्बाद हो गया। मेरा गुनाह इतना बड़ा है कि कानून जो सजा देगा मुझे उसका इंतजार नहीं होगा मुझसे। मर जाने दो मुझे। यारिका, इसकी बातों में मत आना, ये इसकी नई चाल है। एक नंबर का ड्रामेबाज आदमी है। आपकी खामोशी में आपके सवाल मुझे सुनाई दे रहे। मैंने वैभव की बेल कराई। आज से ये यहां काम करेगा, होलकर इंडस्ट्री में। I'm sorry, निहारिका, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा आप कर क्या रही हैं? आपने पहले उसे जेल में भिजवाया, आप खुद ही उसे जेल से निकाल के ले आई हैं। ठोकर खा के भी इंसान ना समझे ना तो गलती उसी की होती है। और ये तो वो पत्थर है जिसकी फितरत ही लोगों को चोट पहुंचाना है।
अब मैं सुधर गया हूं, मैं पहले जैसी कोई हरकत नहीं करूंगा और मैं आप लोगों से माफी मांगूंगा नहीं, अपनी माफी कमाऊंगा। अगर इंसान एक ही गलती बार बार करे तो उसे आदत कहते हैं, और निहारिका तुम्हें गलतियां करने की आदत पड़ गई है। आई एम सो डिसअपॉइंटेड। अब भगवान ही बचाए इस कंपनी को। तुम्हें जो करना है करो। सर। ओम नमो भगवते रुद्राय। आकांक्षा, ओम नमो भगवते। क्या करें? ये गरम है, हाथ जल जाएगा। ओम नमो भगवते। अब खराब हो गया क्या तेरा? तुम ही बावली हो गई है लड़की। मम्मी, मुझे मेरा यथू वापस चाहिए, मुझे मेरा मानव वापस चाहिए। मैं उनके बिना नहीं रह सकती। प्लीज मुझे एक बार उनसे माफी दिलवा दो, बस एक बार मुझे उनकी माफी दिलवा दो। मम्मी, मैं अपने सारे गुनाहों की सजा भुगतने को तैयार हूँ। मम्मी प्लीज प्लीज मुझे मेरे परिवार के पास वापस जाना है। प्लीज प्लीज मम्मी। क्या है ये निहारिका? मानव समझो, हमने इतनी मेहनत क्यों करी है? मानव, एटलीस्ट तुम तो मेरे डिसीजंस पे डाउट मत करो। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अगर मैंने कोई डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। वैभव ने 7 साल तक मेरी हर एक प्यारी चीज मुझसे छीनी है, अब मैं उससे उसकी सबसे प्यारी चीज छीनूंगी, उसका घमंड। जब तक मैं उसे तड़पता हुआ नहीं देखूंगी ना, मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी और मेरे ये एंग्जाइटी और पैनिक अटैक्स भी नहीं कम होंगे। Look, I still don't understand. पर ठीक है, आपके अपने तरीके हैं। बस मेरी एक बात याद रखना निहारिका, आपने उसे जेल भिजवाने की हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। हमारे पास उसे अरेस्ट करवाने के आपको और कोई लीगल प्रूफ नहीं बचे, इसलिए प्लीज थोड़ा केयरफुल हो के इसके सामने। I'll be careful. I promise. बटन बंद कर अपना। वैभव, मेरे लिए कॉफी लेकर आ मेरे कैबिन में। Yes, ma'am. और हाँ, किसी को किसी भी चीज की जरूरत हो, चाय, पानी, कॉफी या और कोई चीज, तो बेझिझक होके मांगिए अपने वैभव कपूर से। वैभव सर अब ऑफिस में ये सब काम करेंगे? वैभव सर अब ऑफिस में चाय कॉफी दिया करेंगे? वैसे मैंने एक बात नोटिस की मैम, कि हमारे बाजपा जी के रंग ढंग अलग लग रहे हैं आजकल। मुझे तो पहले से ही पता था कि कुछ बात है इस आदमी में, कुछ तो है। यूं अपना बना लेता ये आदमी लोगों को, हुनर तो है। वैसे मैंने भी ऑफर दिया था इनको कि हम दोनों अपनी अपनी कंपनीज को मर्ज कर लेते हैं, दोनों का फायदा होगा। देखिए आपका पता नहीं, लेकिन मैं गॉसिप करने की सैलरी नहीं लेती। वो एक पर्सनल बात करने आया था और मुझे लगा कि ये बात आप ही से करनी चाहिए। मुझे आप ही सोचिए, अगर मुझ जैसे एक सीधे साधे इंसान को मानव वाजपेयी का पोटेंशियल नजर आ रहा है तो निहारिका जी की नजरें तो मुझसे कहीं ज्यादा पार की है। हुनर परखने का हुनर मैंने उन्हीं से सीखा है, मतलब शी चूजेस द बेस्ट। ये कब से क्या बकबक किए जा रहे हैं? सुनिए, एक आखिरी बात कह देता हूँ, ये कहनी बहुत जरूरी है क्योंकि शुभचिंतक हूँ मैं आपका और मानव जी का। क्या है, वाजपेयी जी तो एकदम भोले हैं, उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि कैसे कहूँ, निहारिका जी उनका फायदा उठा रही है, इस्तेमाल कर रही है वो इनका बदला लेने के लिए मुझसे। Shut up and leave. Ah, Sakshi, आओ आओ, बैठो ना। वैभव ने कुछ बोला तुम्हें? नहीं मानव जी, वैभव की कोई बात नहीं। एक्चुअली मेरा आप पे कोई हक तो नहीं बनता, लेकिन एज अ दोस्त
आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो तुम्हारा मुझ पर पूरा हक है, ठीक है? खुल के बोलो ना, इतना सोच क्यों रही हो? मानव जी, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ काम के अलावा बाकी सब कुछ हो रहा है, जबकि एक ऑफिस का ऐसा माहौल होना चाहिए कि सबको अपने काम की तरफ ध्यान देना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सब एक दूसरे से बदले लेने में लगे हुए। और आज तो होलकर सर भी ऑफिस छोड़कर चले गए। मेरी आपसे यही एडवाइस है कि आपको निहारिका जी और वैभव के पर्सनल मैटर में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, इसका आपकी लाइफ पे बहुत असर पड़ेगा। देखिए, निहारिका जी किसी भी हाल में वैभव को अपनी लाइफ से जाने नहीं देंगी, और उनके प्यार और तकरार के चक्कर में आप पेंडुलम की तरह झूलते रह जाएंगे। तुम जानती हो साक्षी, मैं तुम्हारे ओपिनियन को कितना मानता हूँ। तो सबसे पहली बात तो तुम्हें पूरा हक है मुझे सही रास्ता दिखाने का, लेकिन तुम सही कह रही हो, जहाँ तक वैभव और निहारिका की बात है तो मुझे पता है निहारिका का ध्यान इस वक्त होलकर इंडस्ट्रीज में कम और वैभव पर ज़्यादा है, इसीलिए मुझे अब तुम्हारा साथ चाहिए साक्षी। तुम मेरा साथ दोगी तो हम लोग इस कंपनी को बदले की कंपनी से बदल कर बदलाव की कंपनी बना पाएंगे, इस कंपनी को साथ में आगे बढ़ा पाएंगे। दोगी ना मेरा साथ? साक्षी ने जो रिक्रूटमेंट डिसीजन लिया है, आई एम नॉट श्योर वो सही है। हमने साक्षी को हायर करके सही डिसीजन तो लिया है। आई मीन शी जस्ट लुक्स आउट ऑफ प्लेस सम टाइम। निहारिका, जब से तुम वापस आई हो ना, ये तुम्हारा अब तक का बेस्ट डिसीजन रहा है कंपनी के लिए। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मैंने आज तक साक्षी जैसी औरत देखी ही नहीं। इतनी सी कम उम्र में जिंदगी की इतनी समझ, हर चीज़ में इतनी क्लैरिटी मैंने नहीं देखी। दैट्स ग्रेट। मैंने सिर्फ एक बार तुमसे कंफर्म किया क्योंकि तुम उसे अच्छे से जानते हो। मेरी अगर गलती से भी याददाश्त चली जाए ना, तो मैं तुम्हें नहीं भुला पाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी स्ट्रेंथ हो। सिर्फ मैं ही नहीं, यद्धु भी। ऑफ कोर्स, छोटे बाजपेयी जी को कैसे भूल सकता हूं मैं। अरे वाह साक्षी मामा, आप तो बहुत ज्यादा खुश लग रही हो। हेलो एवरीवन, कल हमारे कंपनी के सीईओ मिस्टर मानव बाजपेयी का बर्थडे है, सो हमारे कंपनी में होगी एक ग्रैंड पार्टी। सो मानव का बर्थडे और होलकर इंडस्ट्री का रिबर्थ, हम दोनों चीजें सेलिब्रेट करेंगे, तो डबल सेलिब्रेशन गाइस, कम ऑन, मेक सम नॉइस। पार्थ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। चोट सीधे दिल पे पहुंच रही है मैम, लीजिए आंसू पोंछ लीजिए। आपके कोमल कोमल गालों पे दर्द की गोद से निकले हुए ही आंसू अच्छे नहीं लग रहे मुझे। नहीं, मैं समझ रहा हूं, निहारिका मैम ने आपका पूरा प्लान ही चौपट कर दिया।
सो तेरी क्या प्लानिंग चल रही है अच्छे से समझ रहा हूं मैं. सुन, इसे ना मेरी पहली और आखिरी वार्निंग समझना. यस होल्कर मैम. ये सब क्या हो रहा है? ये सवाल आप मुझसे पूछ रही हैं? ये सवाल तो आपको उस आदमी से पूछना चाहिए जिसे इस वक्त या नहीं जेल में होना चाहिए. तुमने ऑफिस का रूल तोड़ा है. आई डिसएग्री मैम. अगर इस ऑफिस में एक औरत का मान रखना यहाँ के नियमों का अपमान है तो उन नियमों को तुरंत बदल देना चाहिए. इनफैक्ट इस ऑफिस में ऐसी बहुत सी चीजें चल रही हैं जिन्हें तुरंत बदलने की जरूरत है. रिली, जैसे कि यहां पे कुछ लोगों को कंपनी की ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए ना कि खुद के क्रोध पर. इस कंपनी में पॉजिटिव बदलाव कैसे लाए ये सोचना, किसी से बदला कैसे लिया जाए ये नहीं सोचना. पर्सनल और प्रोफेशनल के बीच का फर्क बहुत जरूरी है मैम. निहारिका जी, प्लीज बात को समझने की कोशिश कीजिए. मानव जी ने इन पर हाथ इसलिए उठाया क्योंकि ये मेरे से बदतमीजी से बात कर रहे थे. मिस साक्षी, अगर इसने आपके साथ कोई बदतमीजी की थी मैं आपकी साइड सुनती, इसकी साइड सुनती और फिर सही डिसीजन लेती, ना कि मिस्टर वाजपेयी की तरह हाथापाई पर उतरा. आखिर ये आपके लगते क्या है जो आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं? मैं इनका क्या लगता हूं, क्या ये मेरी क्या लगती है, ये मुझे ना किसी को बताने ना ही किसी को समझाने की जरूरत है. लेकिन एक बात आप जरूर समझ लीजिए, इस ऑफिस में जब तक यहाँ के तौर तरीके यहाँ का माहौल बदल नहीं जाता और जब तक इस आदमी को इसके किए की सजा नहीं मिल जाती, मैं और साक्षी यहाँ आएंगे नहीं. चलो साक्षी. आयुधी, ये बॉक्स किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं बाबा, जैसा तूने कहा था. आओ आयुधी, यू आर द बेस्ट. क्या हुआ आयुधी, आप इतनी उदास क्यों? मेरी मम्मा और मानव अंकल का झगड़ा हो गया. मम्मा का ख्याल कौन रखेगा, वो भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है. चलो आयुधी. कहाँ? दादा के पास. मेरे दादा बहुत अंडरस्टैंडिंग है, आप उन्हें समझा देना वो समझ जाएंगे, फिर वो कर देंगे आपकी टेंशन छू. नहीं निहारिका, इसकी कोई जरूरत नहीं, आप प्लीज पार्टी कैंसिल करा दीजिए, मैं नहीं आ सकता. क्यों नहीं आ सकते? तुम्हें आना ही होगा. और मानव प्लीज ऑफिस की बातों को पर्सनली मत लो. तुम्हें ने कहा था ना कि पर्सनल और प्रोफेशनल में फर्क होना चाहिए. हाँ, लेकिन वो और ये वो कुछ नहीं. कल मैंने तुम्हारी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की है और तुम आ रहे हो, बस बात खत्म. अच्छा चलो, अब मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है. सी यू टुमॉरो. नहीं बा... क्या करूं समझ में नहीं आ रहा. निहारिका मेरे लिए पार्टी रखना चाहती है. अरे आयशा बेटा, आपका भाई. आजा आजा बेटा. अरे इसे क्या हो गया?
आयु दीदी को आपसे बात करनी है, अर्जेंट। समझ गया आयु दीदी के दिमाग में क्या चल रहा है। अब मानव अंकल का और मेरी मॉम का झगड़ा हो गया है, तब मेरी मॉम का ख्याल कौन रखेगा, यही चल रहा है ना आपके दिमाग में। एक सीक्रेट बताऊं, मानव अंकल आपकी मॉम से बिल्कुल नाराज नहीं है। बेटा, आपकी मम्मा की जिद पे ब्रेक लगाने का बस यही एक तरीका था, नाराजगी का नाटक करना। आई एम श्योर बहुत जल्दी आपकी मॉम को उनकी जिद वैभव कपूर से अलग कर पाऊंगा। बट किसी को बताना नहीं, इट्स अ सीक्रेट। मानव अंकल अब बहुत अच्छे। मैंने कहा था ना आई दी, मेरे डैडा जादूगर हैं, जादूगर। देखिए आप अंदर जाइए और उनसे कहिए कि आकांक्षा मैडम मिलने आई है। ठीक है मैडम, हम क्या बोले, अंदर से ऑर्डर आ गया है कि आपको आज तो क्या इस घर में कभी भी नहीं आने दें। शॉपिंग करिए। करण, मम्मी कहाँ हैं आप लोग, जल्दी से रेडी हो जाइए। और मैं ना आपके लिए बहुत मस्त कपड़े लेकर आई हूँ। तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? वो क्या है ना कि आज यथू ने मानव जीजू के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी है, तो मुझे करण मम्मी सबको इनवाइट किया है, आपको नहीं किया। मेरे मानव का बर्थडे, मैं भी चलूंगी। मम्मी एक काम करो, जब इतना खर्चा हो ही गया है ना, थोड़े बादाम भी मंगा लो। वो क्या है ना कि आकांक्षा की याददाश्त कमजोर हो गई है, ये भूल गई है कि इसका डाइवोर्स हो चुका है। तू हमारे साथ नहीं चल सकती। ठीक है, अगर आप लोग मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते मत ले जाओ, लेकिन आप सब लोग मिलके ना मानव को ये जरूर समझाना कि मैं बहुत बदल चुकी हूँ और मुझे अपने किए पे बहुत पछतावा है। मुझे प्लीज माफ कर दे और अपने दिल में और घर में थोड़ी सी जगह दे। ठीक है, और करण तू ना वो सारी गिफ्ट्स मानव को जरूर दे देना। मम्मी तू मेरे गिफ्ट्स कहाँ गए? जिन्होंने आपको कल रात को अपने घर के अंदर नहीं घुसने दिया वो आपके गिफ्ट्स थोड़ी ना रखेंगे। इसीलिए ना पैसे बर्बाद ना हो तो मैं उन सबको लौटाकर ये शॉपिंग करके आ गई। अरे वाह, हिसाब किताब बराबर रखू ना। एंजॉय योर इवनिंग अकेले। ओह नाइस, दिस इज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। एक काम करते हैं सब ना, एक एक पकड़ लो। मानस रहते होंगे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। जैसे सर आएंगे ना तो हम सब प्लेकार्ड ऊपर करेंगे और कहेंगे हैप्पी बर्थडे सर। आप ये भी ले लो। एक सेकंड, कॉफी। मानव नहीं आएगा, पार्टी कैंसिल। मम्मी मानव को मना तो लेगी ना? आज तक मानव ने अपना कोई भी बर्थडे मेरे बिना सेलिब्रेट नहीं किया, राज कैसे कर सकता है? मुझे भी वहां जाना चाहिए।
मेरी साक्षी मैम कैसी लग रही है? हाँ बेटा, आज तो आपकी साक्षी मैम वाकई में मतलब बहुत ही काबिल तारीफ लग रही हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप ऐसी भी दिख सकती हैं। सच में मैंने तो पहली नजर में आपको पहचाना ही नहीं। आज तो आपने एकदम ही होश उड़ा दिए मेरे। हेलो मैम, रुकिए तो मैम, रुकिए मैम, आप आपको बोला था ना यहाँ आने के लिए, आप फिर भी आ गए। चलिए यहाँ से। प्लीज भैया, देखिए भले ही लिस्ट में मेरा नाम नहीं है लेकिन मुझे सच में इस पार्टी में बुलाया गया है। आप चाहें तो अंदर जाके पूछ सकते हैं। देखिए मैडम, मुझे स्पेशल ऑर्डर है कि आपको अंदर तो क्या बंगले के आसपास भी ना भटकने दूं। और मैंने आपको पहले भी कहा था लेकिन आप बार बार आ जाती है। चलिए यहाँ से, जल्दी चलिए। चलिए ना मैडम, जाइए, जल्दी जाइए। मैम एक बात और करना चाह रहा था मैं। मैम जिस तरह से मानव सर ने आपसे बर्ताव किया है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मतलब ये क्या एटीट्यूड है? बॉस आप हैं उनके, वो आपके बॉस थोड़ी है। उनके बिहेवियर से ऐसे लग रहा था कि उनको ये गलत फहमी है कि उनके बगैर आप ये कंपनी अपने आप चला ही नहीं सकती। मैम प्लीज आप बस ना थोड़ा संभल के रहिएगा। संभल के तो रहना चाहिए आपको निहारिका जी। मुझे पता था कि आप निहारिका जी को अकेला पाकर उन्हें उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाएंगे। मानव जी की सोच इतनी गिरी हुई नहीं है कि जिस थाली में खाएं उसी में छेद करें। तुम यहां कैसे? मैं आपसे ये कहने आई हूं कि इंसान आपको सबसे अलग कर देना चाहता है ताकि फिर से आपको अपने झांसे में फंसा सके। क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकती हूँ? जी मैं चलता हूँ। खैर, मैं आपको मानव जी के बर्थडे के लिए लेने आई। होलकर जी और आयशा भी वहीं हैं और आयशा आपको बहुत मिस कर रही है। वहां इतने सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं और आप यहाँ इस सांप के साथ बैठी। वेलकम निहारिका, आप आ गई। हमें तो लग रहा था आप आएंगी नहीं, और यहाँ सबके मुंह लटके हुए थे, आपको मिस कर रहे थे। हैप्पी बर्थडे, रूड रूड बर्थडे बॉय, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच। पर इसकी जरूरत नहीं थी, आप आ गई, यही मिले सबसे बड़ा गिफ्ट था। अच्छा थैंक यू। मानव तुमसे कुछ बात करनी है। ओके आइए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।